कहीं आप भी डिप्रेशन के मरीज तो नहीं बन रहे? अगर आप में ये अलामत मौजूद हैं तो फौरी तौर पर अपना इलाज करवाइए। मौजूदा दौर में डिप्रेशन एक आम मर्ज बन चुका है जिसके बारे में आगाही ना होने के बराबर है। अक्वामे मुताहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है। वैसे तो डिप्रेशन की चंद मखसूस अलामत होती हैं जो अक्सर अफराद पहचानने से कासिर रहते हैं या फिर इस बात को समझना नहीं चाहते कि हम किसी बीमारी का शिकार हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा संगीन नौयत के अवारिस का शिकार हो जाते हैं। मगर डिप्रेशन की कुछ ऐसी अलामत भी होती हैं जिनके आम होने के बावजूद लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इन अलामत को जानना यकीन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। शॉपिंग का जुनून। अगर चीजों की खरीदारी आपके कंट्रोल में ना रहे और आप जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगे तो ये जान लें कि आप डिप्रेशन के मर्ज की तरफ जा रहे हैं। अक्सर लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा शॉपिंग करके निकालते हैं। ज्यादा भूलने की आदत। भूलने की एक वजह डिप्रेशन भी हो सकता है। तहकीक की रिपोर्ट से साबित हुआ है कि डिप्रेशन या तनाव का तसलसल जिस्म में एक हार्मोन कोर्टिसोल की सतह में इजाफा करता है। ऐसा होने से दिमाग का वो हिस्सा सिकुड़ता या कमजोर हो जाता है जो याददाश्त और सीखने से मुंसलिक होता है। इंटरनेट का बेदरेग इस्तेमाल। इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी डिप्रेशन की अलामत हो सकता है। तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा डिप्रेशन और इंटरनेट के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। कमर का मुस्तकिल दर्द। तहकीक की रिपोर्ट में साबित हुआ है कि डिप्रेशन से कमर के निचले हिस्से में दायमी दर्द का खतरा बढ़ जाता है। एक तहकीक से ये नतीजा सामने आया कि दायमी कमर दर्द के शिकार 42% अफराद को इस तकलीफ के आगाज से कबल डिप्रेशन का सामना था। जज्बाती उतार चढ़ाव। डिप्रेशन के शिकार अफराद अक्सर बहुत कम जज्बात का मुजाहरा करते हैं मगर जब करते हैं तो इंतहा पर जाकर करते हैं। वो अचानक चिड़चिड़े या मुश्तइल हो जाते हैं। उनकी जानिब से उदासी, नाउमीदी, फिक्र या डर जैसे जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपनी फिक्र छोड़ देना। ऐसे अफराद जो अपने बारे में लापरवाह हो जाते हैं या अपनी फिक्र करना छोड़ देते हैं ये भी डिप्रेशन और खुद एतमादी की कमी की निशानी हो सकती है। ऐसे अफराद में मुख्तलिफ निशानियाँ जैसे दांतों को ब्रश ना करना, इम्तिहानात को छोड़ देना या किसी बीमारी के इलाज ना करवाना शामिल है। डिप्रेशन के इलाज के बाद इनकी सूरत हाल बेहतर हो जाती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।